श्री गणेशाय नमः। गुरु बृहस्पति दोष, दोष का अर्थ होता बंधन, दोष निवारण नहीं होते, यह बंधन है। बंधन जिसको लग जाता है बृहस्पति ग्रह दोष का, तो उनके घर में बैलेंस नहीं रहते, इनबैलेंस। बृहस्पति ग्रह को ही जिसके परिवार में बृहस्पति ग्रह दोष फिट हो जाता है, वही परिवार को कहा जाता है पितृदोष। पितृदोष का अर्थ होता है श्रापित दोष। हमारे ऋषि मुनियों ने श्रापित दोष कहा था, लेकिन भक्तों ने, लोगों ने कहा कि यह श्रापित दोष का नाम को थोड़ा सुधार दीजिए, तभी ऋषि मुनियों ने लिखा पितृदोष। पितृदोष जो बंधन हो गया है, पितृ का अर्थ होता है आपके पूर्वज जो मर गए हैं, उनके सभी दोष एकत्रित हो गए हैं, जमा हो गए हैं। जैसा पैसा बैंक में जमा करते हो ना, बुढ़ापा में काम देगा, वैसा सभी दोष जमा होके आपको पितृदोष लगा है। इसे ही कहा गया है बृहस्पति दोष, इसे ही कहा गया है श्रापित दोष। यह बंधन है, यह बहुत ही खतरनाक डेंजरियस बंधन। तंत्र का बाप दोष है ये। बृहस्पति दोष भगवान विष्णु यज्ञ और शिवजी के रुद्राभिषेक नमक चमक से ही जड़ से निवारण होते हैं। जिसे बृहस्पति ग्रह दोष लगता है, यह पितृदोष है, यह श्रापित दोष है। आपने आपके पूर्वजों का लिया है माल पानी, बहुत लिया है, हम जानते हैं। दादाजी जब मर गए ना, दादा और दादी, तो लड़ाई करके लिया है। यहां को ही पितृदोष को आ जाए, पूर्व पुरुषां करो कर्म एवं वर्तमान रो अपन को कर्म ही पितृदोष और श्रापित दोष, एटा ही बृहस्पति ग्रह दोष। तो यह दोष लगने से धन आगमन रुक जाएंगे, धन आए तो भी टिकेंगे नहीं, बीमारी लगा रहेगा, घर में कलह, बच्चे कहना नहीं मानेंगे, कर्ज में इंसान डूबता जाएगा, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, पदोन्नति नहीं होगा। और जिनको बड़े बड़े पितृदोष लग जाते हैं, बड़े बड़े श्रापित, उनके घरों में अकाल मृत्यु भी होते हैं। और जिसके पूरे परिवार में अगर किसी बेटी का अकाल मृत्यु हुआ है बिफोर डेथ, मैरिज से पहले, चाहे मां के गर्भ में भ्रूण हत्या हुआ हो, चाहे बिफोर मैरिज किसी बेटी का अगर पूरे परिवार में अगर मृत हुआ है, तो वह परिवार सोच लीजिएगा आप बहुत ही डेंजर स्थिति परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यह सब लक्षण होते हैं। और पितृदोष से मैरिज विवाह रुक जाते हैं, विवाह रह जाए, बेटी तो होंगे बेटा नहीं होंगे, या बेटी बेटा कुछ भी नहीं होंगे। आप जितना भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें, लॉस ही होता जाएगा। तो आजकल हम देख रहे हैं शहरों में भागा दौड़ी जीवन, शहर में यज्ञ नहीं होते, भागा दौड़ी जीवन, बहुत लोग परेशान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर 90%। तो कल हमने एक एजुकेटेड फैमिली से कहा कि आप किस भगवान का पूजन करती हैं, तो उन्होंने आंसर दिया
कि सभी भगवान एक है, हो ही नहीं सकते सभी भगवान एक, हो ही नहीं सकते। हमारे ऋषि मुनियों ने, ऋषि मुनि एक एक वैज्ञानिक थे, श्री गणेश, भगवान विष्णु, उसके बाद सूर्य, उसके बाद शिव, उसके बाद दुर्गा देवी, सब सिस्टम से कनेक्ट हैं। तो जो परिवार कल मुझे बोल रहे थे सभी भगवान एक हैं, तो यह इनके जो दिमाग में घुसा हुआ है, यह शास्त्रियों ने घुसाया है देश के अंदर के सभी भगवान एक हैं। शास्त्री जी, मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, और आज ऑल वर्ल्ड को अग्रवाल का बेटा दुर्गा सप्तशती का ट्रेनिंग देता हूं। आज हम देख रहे जितने भी पितृ दोष से परेशान हैं, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वह प्रवचन के ही पथ पे जाएंगे, वह कभी भी यज्ञ के पथ पे या शिव मंदिर के रुद्राभिषेक नमक चमक के पथ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको जो पितृ दोष लगा है, उनको जो श्रापित दोष लगा है, उनको जो बृहस्पति दोष लगा है, यह तीनों दोष ही उनको रोक रहे हैं कि तुम यज्ञ के पथ पे मत जाओ, अखंड दीपक के पथ पे मत जाओ, कहीं यज्ञ में दहन मत हो, आज शिव मंदिर की ओर मत जाओ, यह दोष उन्हें रोक रहे हैं। और वह दोष ही उनको ले जाएंगे चातुर्मास के पथ पे, प्रवचन के पथ पे, कथा के पथ पे। आपके पूरा जीवन से कनेक्ट हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी को मेच से आउट कर दिया गया, भगवान विष्णु, विष्णु का अर्थ होता है विष्णु शास्त्र नाम यज्ञ, आपके पूरे बीमारी को कंट्रोल कर दें भगवान विष्णु। कई लोग आज जो आप हॉस्पिटल में भर्ती हो, बहुत पैसा खर्चा करते हो, 10,000 वर्षों से कोई दोष वह बीमारी में चिपका हुआ है, लटक झटक हुआ है, पैसा कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए हैं, यह जो दुर्गा सप्तशती यह कल्प वृक्ष है, यह अमृत है, और यह सिद्धि मुझे 2001 को प्राप्त है, और मां भगवती दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी 1994 मसियारे 94 में ही मेरा हाथ पकड़ ली थी। जो उस जमाने के व्यक्ति मुझे जानते हो, 1994 में नवरात्रि 9 दिन यज्ञ हुआ था मेरे शहर में, जहां आज दुर्गा देवी का भव्य मंदिर बना है, उसी यज्ञ अग्नि से ही दुर्गा देवी के दो हाथ निकले, और मैं पीछे बैठा था, मेरे को खींच के ले गए, बोले इसी यज्ञ अग्नि में हाथ रखो और संकल्प लो कि हे देवी दुर्गा, आपका मंदिर मैं निर्माण करूंगा। और मैंने सभी उपस्थित भक्तों के सामने उसी हवन यज्ञ देवी अग्नि में मैंने ही हाथ रखा था, एक ही व्यक्ति, कि हे देवी मैं संकल्प लेता हूं कि आपका ये भव्य दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण यहां दिन रात सो के सोते हुए मेरे माध्यम से निर्माण होगा, मैंने लिया था संकल्प। और आज भी हुआ, दुर्गा देवी मंदिर का इतिहास देखिए, वहां 3 फेस बिजली करंट जो लगा हुआ है 94.5 में, वह यह सुनील के नाम से ही इलेक्ट्रिसिटी करंट है, और उसी दुर्गा देवी से 96 मंदिर जिस दिन प्रतिष्ठा हुआ, मुझे पुरस्कार मिला, देवी पुरस्कार, झकास, मेरे कानों में कर्ण विद्या है। और उसी देवी से ही 2001 को मुझे दुर्गा सप्तशती का सिद्धि प्राप्त है। दुर्गा सप्तशती जिसको ट्रेनिंग लेना हो, आज आंध्र प्रदेश हैदराबाद से एक बहन जी का मैसेज आया कि आप ट्रेनिंग कब कब देते हो, मैं 365 दिन देता हूं ट्रेनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं दुर्गा सप्तशती का। यह दुर्गा सप्तशती, यह मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है, इससे पूर्ण आशीर्वाद लेने के लिए
आपको अपने शहर के शिवलिंग या वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक नमक चमक करवाना होगा। शिव जी के भक्त को तो नमक चमक क्या होता है मालूम नहीं है। रुद्राभिषेक ये पुस्तक ले आइए ऑनलाइन से, पांचवा और आठवां अध्याय को नमक और चमक कहा जाता है, जो कि हाई पावर काम करता है। आप अपने श्रापित पितृदोष और बृहस्पति ग्रह को खोलने के लिए शिवलिंग के चरण शरण में और विष्णु के यज्ञ में शामिल हो जाए। दुर्गा सप्तशती का 1 करोड़ पाठ का फल मिलता है शनिवार को, अर्थात हवन के माध्यम से हमारे सभी मंत्र अपने आप सिद्ध है, कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत ही नहीं है। आज उत्तर प्रदेश से एक भाई का मैसेज आया, बोला आप श्रद्धा भक्ति के लिए मना कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मना कर रहा हूं। 2008 को मैंने भी विष्णु का यज्ञ करवाया, स्वयं जो मंदिर मेरे माध्यम से बना 6 वर्ष रहा वहां, वह कंडीशनली मंदिर था कि वह मंदिर में जीवन भर कभी कमिटी नहीं बन सकता। उस कंडीशन से वह मंदिर 1994 में शुरुआत हुआ था और मैं आज भी वह मंदिर का कमिटी में मेंबर नहीं हूं, क्योंकि जब मैं घर छोड़ा तो मेरे पिताजी ने एक ही शब्द कहा था, बेटा सुनील। मैं बोला पिताजी बोलिए। बोले दुर्गा से गद्दारी मत करना, दुर्गा से मत खेलना। मेरे बुजुर्ग पिताजी बोले दुर्गा से गद्दारी मत करना और जो गद्दारी करेगा उसको फल भोगना ही पड़ेगा। ये मेरे पिताजी, स्वर्ग पिताजी का शब्द था। और एक दिन भी मैंने गद्दारी देवी दुर्गा से नहीं किया। रात को 3 बजे मैं उठता था और पानी देता था कंस्ट्रक्शन में कि ये लाखों वर्षों तक मंदिर रहेंगे। और वह जंगल के अंदर बना था मंदिर, वहां गर्मी ठंड और बारिश के मौसम में पीने के लिए पानी नहीं था, तो मंदिर के बाजू में तेजू राठौर भाई की छोटी बेटी, 4 वर्ष की बेटी पूजा राठौर, वह मेरे को पानी लाके देती थी। आज भी उस बिटिया का नाम मुझे याद है, पूजा। और उस दुर्गा देवी से 96 प्रतिष्ठा के दिन से बात करता था, आज भी बात कर रहा हूं। धन कमाने के लिए मैंने ये धर्म धारण नहीं किए हैं। आज जितने भी पंडित बोल रहे हैं कि पितृदोष हम हटा देंगे, ये हटा ही नहीं सकते, यह झूठ बोल रहे हैं जितने शास्त्री हैं वर्ल्ड के। यह शास्त्रियों को भी ही श्रापित दोष लगा है, पितृ दोष लगा है, बृहस्पति दोष लगा है। भगवान विष्णु और शिव के अलावा कोई हटा ही नहीं सकता। इन्होंने ही पेला है आप लोगों के मस्तक पे कि सभी देवी देवता सभी भगवान एक हैं। शास्त्री जी दुर्गा सप्तशती उठा के देखिए, एक ही श्लोक उठा के देखिए, रखा शत्रु पर विसाचना का, यत्र रोदस बलानी यत्र दावाणलो यत्र तथाब्दि मध्य तत्त्वं परिपाशी विश्वम। इसका अर्थ क्या है? इस पृथ्वी धरती पे मानव जैसे हैं वैसे अद्रु से इच्छाधारी नागिन और नाग खतरनाक है। और वह हर रोज इंसान के शरीर से ब्लड खींचते हैं, यही कारण से आज का इंसान कमजोर है। जितने भी सोते सोते मरे हैं, यह इच्छाधारी नाग और नागिन का खेल है। सिद्धि यूं ही नहीं मिला मुझे, यूं ही नहीं मिला है। मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं था, फिर भी मुझे दुर्गा सप्तशती का यह कल्प वृक्ष क्या सिद्धि है। बाप दादाओं का जितना मुझे जमीन मिला, जितना पैसा मिला, जितना घर राजाशाही घर मुझे मिला, मैंने सब कुछ त्याग दिए। दुर्गा देवी के मुख से निकला था कि बेटा गौरीशंकर मंदिर शिव जी शिवलिंग जा, बेटा गायत्री का यज्ञ करवा,
बेटा मेरे सम्मुख नवग्रह का यज्ञ करवा, बेटा मेरे सम्मुख विष्णु का यज्ञ करवा। 2008 में 31 ब्राह्मण देवता को लेकर आया बनारस से, तब मुख्य आचार्य थे अग्नि शिकारी महाराज, और यज्ञ 9 दिन करवा। उसी में ही हमारे पूर्वजों का पितृ दोष, श्राप दोष, बृहस्पति दोष कटे। हमारे हिंदू सनातन धर्म और आपके जीवन दो तत्वों से चलते हैं, अग्नि तत्व और जल तत्व। जल तत्व का अर्थ होता है शिवलिंग। मैं रुद्राभिषेक नमक चमक, शिव मंदिर में जल तत्व अखंड दीपक सरसों तेल का, शिव मंदिर में रुद्राक्ष दीजिए, शिव मंदिर में त्रिशूल दीजिए, शिव मंदिर में अगरबत्ती लगाए अगरबत्ती। इसे कहा जाता जल तत्व। शिव मंदिर परिसर में है यज्ञ करवाए। यज्ञ कैसा हो? श्रेष्ठ यज्ञ होते हैं विष्णु महायज्ञ, रुद्राभिषेक नमक चमक यज्ञ। आज 90% परिवार पितृदोष से बंधन, एक परिवार पितृदोष से बंधन में पड़ा हुआ है। उनके घर में जवान जवान बहुएं मर गई, जवान जवान बेटे मर गए। एक शास्त्री ने उनको पेल दिया, बोला कि 7 दिन हम पितृ गायत्री कर देते, गायत्री देवी का कोई कनेक्ट ही नहीं है पितृदेवता से। पितृदेवता से ओनली कनेक्ट है भगवान विष्णु, आपके नाभि से कनेक्ट है भगवान विष्णु। लेकिन वह शास्त्री 7 दिन पेल दिया पितृ गायत्री। मैं बोला शास्त्री जी वह परिवार से 1,00,000 रुपया ले गए। बोले हंसने लगे, विष्णु के अलावा आपके पितृदेवता से किसी का कनेक्ट नहीं है। लेकिन थ्रू शिवलिंग किसी जमाने में यज्ञ हुआ करते थे भारत भूमि में, आपके पूर्वज यज्ञ करवाते थे, तो गायत्री मिशन वाले यज्ञ करते थे। आपके घर में जाते थे, बोलते थे कि 1-1 मुट्ठी चावल जमा करो, हमें दो। जिन्होंने भी चावल दिया था आज उसके घर में देखे अनाज खेल रहा है, अनाज। तो आज फिर से हम भगवान विष्णु के लिए आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। विष्णु आपके घर के मालिक हैं। अभी 21 सितंबर यह चल रहा है, आप से जितना बन पड़े, बृहस्पति से कनेक्ट है हल्दी का, जितना बन पड़े अपने ऑल फैमिली मेंबर्स के नाम से हल्दी दीजिए। आज सुबह पुणे महाराष्ट्र एजुकेटेड ऑफिसर लेडीज मुझे 10 किलो हल्दी भेजी 1500 रुपया कि हम आपका प्रवचन सुनते हैं, आप तो प्रवचन में सत्यता है, हल्दी दीजिए आप। पितृदोष किसी को खाने के लिए दे देने से, कोई तीर्थ घूमने से नहीं निवारण होंगे। दुर्गा माँ के मुख से निकला था, बेटा सुन तू विष्णु का यज्ञ करवा। तब मेरे पास पैसा नहीं था, 100, 200, 500, 1,000 जोड़ जोड़ के, कई भाइयों ने भी मेरा साथ दिया है। वो 2006 से यज्ञ के लिए लगा, 2008 में यज्ञ हुआ है। मेरे जन्मभूमि वालों को पूछ लीजिए, मेरा तो बचपन से ही स्वप्न रहा कि करोड़ों मानव का हम भला करेंगे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी को हमारे दूर के एक रिश्तेदार ने तंत्र से बंधन करवा दिया था। नाक फांस जमीन में रहते थे हम। पिताजी के पूर्वजों का दोष, मोटा दोष 10,000 वर्ष का चला आया था। 2008 विष्णु यज्ञ में निवारण हुए। और जिसको पितृ दोष लग जाता है वह कभी यज्ञ में नहीं जाता, कभी शिव मंदिर नहीं जाता। मेरे पिताजी कभी नहीं गए, जाने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन मेरे पिताजी एक गुरु के चक्कर में फंस गए थे, तो पिताजी जीवन भर दुख भोगे। और पिताजी के साथ ही तो हम थे, हमें भी दुख भोगना पड़ा।
आप लोग डायरेक्ट रुद्राभिषेक नमक चमक अनुष्ठान से जुड़े, यज्ञ से जुड़े, दुर्गा देवी के जितने भी भक्त हो, बिना विष्णु के आपका नवरात्रि सफल ही नहीं होंगे। यह दुर्गा देवी के मुख से निकला था 2006 में, बिना शिव जी के रुद्राभिषेक के आपका अनुष्ठान सफल ही नहीं होंगे। दुर्गा सप्तशत दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, ये तीन अध्याय का मालिक है भगवान विष्णु। आ गाँ गहली रे जिते लोक मैंने आप लक्ष्मी को जो पूजा कर किसी पाइबे ना, 25 वर्ष हो गला सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली किसी पाइबे ना, विष्णु कर यज्ञ करातु ए भगवान विष्णु कर हेले लक्ष्मी आप गाँ को पशिबे। मु विश्व स्तरीय गाँव कथा कहूँ, आउ निजर आचरण आ उच्चारण टे भल करतु, आचरण और उच्चारण से भी पितृदोष और ज्यादा घर में प्रवेश कर जाते हैं। जिसका आचरण और उच्चारण अगर सही ना हो, शब्द सही ना हो, वह इंसान श्रापित हो जाता, मानव जीवन में श्रापित। आपके पूर्वज कोई भी नहीं गए हैं स्वर्ग लोग, स्वर्ग लोग जाने के लिए कोर्स करना पड़ता है आत्मा का। आपके पूर्वजों ने इस धरती पे एक भी यज्ञ नहीं करवाए कभी। आपके पूर्वज ऋषि मुनियों के कर्जदार हैं, वह कर्ज भी श्राप में परिवर्तन हो जाता है, वह कर्ज भी पितृदोष लग जाता है। यूं कोई छुटा दे पितृदोष कोई पंडित, हम ये जानते हैं पंडितों को तो लगा हुआ है श्राप, पंडितों को श्राप लगा हुआ है, बृहस्पति दोष लगा हुआ है, पितृदोष पंडितों को लगा हुआ है। जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो, अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत पैसा खर्चा कर चुके हो, तो सोच लीजिए आपका पितृदोष उस इंसान को बीमारी में डाला हुआ है। और अगर आप जड़ से अगर यज्ञ से निवारण नहीं करते, रुद्राभिषेक नमक तमक से निवारण नहीं करते, तो वह बीमार इंसान को कोई बचा भी नहीं सकता। मेरे अनेक दूर के रिश्तेदार के घर में जवान जवान मौत हो गए, उनके घर में मैं जाके बोल के आया था कि पैसा पैसा मत मरो, है पैसा करवाओ यज्ञ शिव मंदिर में, रुद्राभिषेक नमक चमक अखंड यज्ञ करवा, हमने बोल के आया था। जैसा भी संकट हो मुझे कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप चैटिंग। पैसा कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए। मेरे शहर में कभी जाओ देखना, सबसे बड़ा जो दुर्गा मंदिर है, बचपन में 6 वर्ष रह के वह मंदिर मेरे माध्यम से दुर्गा देवी निर्माण करवाई है। आज भले ही कोई कमिटी में बैठ के चौधरी बना हो,